प्रधानमंत्री ने 4.5 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, क्यों? इस सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब सीधा जवाब देने के बजाय टाल मटोल करने लगे तो कांग्रेस ने शुक्रवार को फिर सवाल किया, क्या मोदी और शाह खुद को जवाबदेही से ऊपर मानते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उठाए इस सवाल पर कि मोदी ने अब तक एक भी प्रेस वार्ता क्यों नहीं की, बीजेपी अध्यक्ष ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, उसके बाद कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। ये वाक्या बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता का है। जब पत्रकार ने इस बारे में जोर देकर पूछा तो शाह ने कहा, जवाब दिया जाएगा, जवाब पार्टी की ओर से दिया जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शाह पर भारतीय लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता का अपमान करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा, क्या शाह को लगता है कि देश में लोकतंत्र मर चुका है और प्रधानमंत्री को कानून के शासन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या सरकार की विफल नीतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल नहीं किया जा सकता? कांग्रेस नेता ने कहा कि शाह का बयान मीडिया के सवाल पूछने के अधिकार का अपमान है और यह मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। सुरजेवाला ने कहा, क्या शाह सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को मीडिया को संबोधित नहीं करने के बारे में पूछा जाना मनमानी है या खराब है? सत्ता का अहंकार इतना ज़्यादा हो गया है कि वे अपने आप को लोकतंत्र जवाबदेही और भारत के लोगों के प्रति जवाबदेही के ऊपर समझने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।